हेलो फ्रेंड्स, कुछ गार्डनिंग वर्क मैं कर रही थी और मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं। बारिश की लुका छिपी लगभग चली रही है, कई जगहों पर तो खूब बारिश हो रही है और एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद हमारी दिल्ली में भी थोड़ी सी 2 दिन से बारिश हो रही है फ्रेंड्स। और प्लांट्स काफ़ी लंबे और बड़े हो गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपके हिबिस्कस के प्लांट्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और उन्हें आप बुशी बनाना चाहते हैं, देखिए, और उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी सी पिंचिंग कर सकते हैं। अभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और नई नई टहनियाँ बनेंगी, तो उसमें नई नई फ्लावरिंग भी होगी। तो इस तरह से टिप के ऊपर से आप इसे पिंच कर सकते हैं और ये इसमें से नई टहनी बन जाएगी। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अगर आपका घना हो गया है प्लांट, तो हल्की प्रूनिंग आप लगभग अधिकतर प्लांट्स की कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा एक अच्छा लुक आपके गार्डन में आ जाएगा। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावरिंग को एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, मॉस रोज़ काफ़ी फ्लावरिंग कर चुके हैं मेरे, और अगर आपने अभी लगा रखे हैं तो उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। अगर जिन लोगों ने काफ़ी पहले से इस तरह से लगा रखे हैं, तो उनमें उनकी जिस तरह की टहनियाँ बहुत लैगी हो गई हैं और उनमें अब फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही है, तो अगर थोड़ा सा उसे कट कर लीजिए तो उसमें नई टहनियाँ आ जाएंगी और आपका फिर उसमें फ्लावरिंग होगी। और इस बार बारिश की वजह से सदापार पर ज़्यादा ही मार पड़ी है, और अगर इस तरह से बारिश की वजह से आपका सदाबहार कोई सूख गया है, तो उसे भी आप कट कर सकते हैं या इसको फिर से ज़िंदा करने का कोई प्रयास भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसको अगर जोड़ देंगे तो ये थोड़ा क्या पता चल भी जाए, या किसी स्टिक की सहायता से। और अपने पारिजात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब इसे कुछ समय में फ्लावरिंग करेगा। अगर इसकी शाखाएं थोड़ी इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से आप किसी भी रस्सी वगैरह से हल्के से बांध सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्लांचू का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी ज़्यादा बारिश में क्लांचू का प्लांट थोड़ा सा गलने के चांस हैं, तो उसे थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कीजिए। ये मेरे क्लांचू के प्लांट हैं, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। और मधुमालती बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है और लगभग सभी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और खूब हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगा सकते हैं, प्लांट्स डिवाइड कर सकते हैं और नए नए रंग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स को आप ज़्यादा मात्रा में भी ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम आप नर्सरी जाकर भी कुछ प्लांट्स ले सकते हैं। देखिए, चांदनी के सुंदर से सफ़ेद फूल खिले हुए हैं और शाम का वक्त है, संध्या फूल भी खिला हुआ है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसको अगर एक बार लगाएंगे तो ये फिर आपके गार्डन में हमेशा ही रहेगा। इसके काले काली मिर्च के आकार के बीज होते हैं। और फ्रेंड्स, ये एमरेंथस, तो ये वाले प्लांट एक बार अगर लगाएंगे तो फिर वो भी आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे, और बहुत ही कम देखरेख में और बहुत ही अच्छी लुक हमारे गार्डन को देता है, और ये फरवरी तक आसानी से चलेगा। और गुलदावरी पर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, मैंने ये वीडियो अभी डाला है। और कड़ी पत्ते को घना बनाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगातार मैं अपने कड़ी पत्ते को पिंचिंग करती रहती हूँ तो ये घना बना रहता है। ये देखिए, एक ये छोटा प्लांट है और ये मेरा दूसरा थोड़ा सा बड़ा प्लांट है। तो इस तरह से
काफ़ी अच्छा लुक इस बार गार्डन में आया है और बहुत सारी शिमला मिर्च के फूल भी लगे हैं। इस बार मेरे गार्डन में थोड़ी सी सब्जियों की मात्रा भी बढ़ी है। ये कंपोस्टिंग में उगा हुआ प्लांट है और घिया की वीडियो तो मैंने डाली ही है। तो इस तरह से इस बार अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है और अनार भी खूब मात्रा में इस बार हमें मिले हैं और अच्छे मीठे रसीले फलों का स्वाद भी हमने चखा है। और तुलसी भी हरी भरी हो गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे गार्डन में इस बार खिली है और पोलियस में भी एक नई चमक आई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे मोटे काम आप करते रहिए, ड्रेनेज का ध्यान रखिए। कोई भी पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई है तो उसके नीचे से ट्रे तो सभी प्लांट्स की हटा दीजिए, क्योंकि इस बार बारिश लगातार आ ही रही है, इससे कहीं ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब ना हो जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यही काम मैं कर रही थी और सोचा कि आपको भी थोड़े से टिप्स दे दूँ और आप भी अपने गार्डन में कुछ इस तरह का काम कर पाएँ। और इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स को अलग अलग छोटे छोटे डब्बों में डिवाइड करके भी आप एक अच्छा लुक अपने गार्डन में दे सकते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। अभी मैंने अपने गार्डन को अरेंज नहीं किया है क्योंकि कभी धूप होती है तो पानी देना होता है और कभी बारिश होती है, तो प्लांट्स को और अपनी टेरेस को भी थोड़ा सा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कीजिए आप भी गार्डनिंग वर्क और रेनी सीजन को एंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।